अच्छा मैम ये बताइएगा कि आपकी कैदों को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो दहशतगर्दों को लाया जाए प्यार में, प्यार जमहूरी क्यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क्यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क्यादत की और किसी की नहीं है। मरियम तेरी जुर्रत को मेरे पास है, आंधो सर क्या कहेंगे आपको आज बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है? ओए भाई क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं है, जुर्म छाएंगे कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी। देखिए फवाद चौधरी पहले डिसाइड तो कर ले कि वो चाहता क्या है। एक तरफ वो कह रहा है कि अयाज सादिक साहब ने वजीर खारजा की बात की थी, उस सियासत में ये चलता है, और दूसरी तरफ जो है वो माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहा है। अयाज सादिक की माफ़ी की बात नहीं है, बात यह है कि देखना है कि किसके बयानिए से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और मोदी जो है फवाद चौधरी साहब की इतला के लिए कि वो इनके बयान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और फेटिफ के अंदर जो है ले जाने की बात कर रहा है। फवाद चौधरी साहब इसका जवाब दें, ये जो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा पाकिस्तान का, इसका जवाब कौन देगा?